कोरोना वॉरियर, जी हाँ आपने सही सुना है, कोविड 19 में जिनका सबसे बड़ा हाथ था वो कोरोना वॉरियर थे, जो लोगों को निजात पा रहे थे कोरोना से। कोरोना काल एक ऐसा समय था जिसको हम लोग भूल ही नहीं भूल सकते। उस समय में ये लोग घर से बाहर निकल के लोगों की मदद करते थे। आज ये सड़क पर उतर गए हैं अपनी मांग को लेकर। इनका ये कहना है, जब कोरोना काल में हमने इतनी मदद की थी तो अब हमारी नौकरी क्यों जा रही है। देखिए पीपीई कोट पहन के ये लोग यहाँ पे हैं, इतने गर्मी में, इतनी ठंडी में भी गर्मी का एहसास इन्हें मिल रहा है, क्या कुछ कारण है इसलिए हम जानते हैं। कोरोना वॉरियर आपका नाम दिया गया था, ऐसा क्यों था कोरोना के टाइम में, ये बताइए। कोरोना वॉरियर इसलिए नाम दिया गया कि जब कोरोना का दौर चल रहा था, पूरा विश्व कोरोना से त्रासदी त्रासदी कर रहा था, कोई घर से निकल नहीं रहा था, तीन तीन लॉकडाउन पूरा विश्व देखा है, भारत भी देखा है, उस समय हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर बनकर आए और सरकार को कंधे से कंधे मिलाकर हम लोगों ने लोगों की जान बचाई। हमारे बदौलत ही आज बहुत सारे, जो बिहार सरकार आंकड़ा दिया कि हमने इतने लाख इतने करोड़ जांच किए, इतने कोरोना को में बचाए, वो सब हम ही लोग के बदौलत हुआ। लेकिन आज हम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। योगदान भूल गए हैं सरकार, पता नहीं। उस समय हम लोगों को एक प्रशस्ति पत्र भी दिया गया, कोरोना योद्धा का उपाधि दी गई, फूलों की बारिश की गई। सरकार हम लोगों को बहुत ज़्यादा कि आप लोग इतना अच्छा काम किए कि आपके बदौलत आज हम पूरे बिहार में बहुत अच्छा आंकड़ा पूरा देश में दिए। लेकिन आज हम लोगों को पूरे बिहार में लगभग 800 लोग हैं और सभी लोगों को निकाल दिया गया। कब निकाल दिया? 2 तारीख को एकाएक आता है लेटर, उसमें आप लोगों से काम नहीं लिया जाएगा, पहले कुछ नहीं बताया गया मैडम कि आप लोग से अभी फिलहाल काम नहीं लिया जाएगा। जी घर परिवार कैसे चलेगा? घर परिवार तो आप सोच ही सकते हैं कैसे चलेगा। हम लोग काफी डिप्रेशन में हो गए हैं कि हम लोग करें क्या करें। काफी घर से हम लोग को परमिशन नहीं था इस मतलब कोरोना में हम लोग को काम करने के लिए, फिर भी हम लोग आगे भविष्य के सोच के हम लोग आगे इसमें आए, कोरोना में काम किए। हम लोग को घर से नहीं अलाउ था काम बाहर निकलने का, लेकिन हम लोग सोचे कि फ्यूचर हम लोग को बनने वाली है, इससे वजह से हम लोग काम किए। आज देखिए हम लोग सोचे भी नहीं थे कि हम लोग के साथ ऐसा होगा, लेकिन नया साल में ऐसे हम लोग। कितना सैलरी मिलता था? 12,000 सिर्फ। 12,000 मिलता था और 24 घंटे काम करते? जी 24 घंटे। एक भी छुट्टी नहीं। क्या काम रहता था मैम? कोरोना जांच से लेकर जनरल पैथोलॉजी का भी काम हम लोग करते थे मैम, ब्लड रिपोर्ट जितना भी है सारा हम लोग तैयार करते थे मैम। मलेरिया का काम करते थे हम लोग, डेंगू का। इतना काम किए, इतना डट के काम किए, लेकिन अब आपको जिस तरह से नौकरी से हटा दिया गया, क्या सरकार को आपके तरफ ध्यान नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ध्यान रहता तो हटाता ही नहीं सरकार हमको। अच्छा आगे क्या करेंगे, क्योंकि अनिश्चितकालीन धरना पे आप लोग? हम लोग आत्मदाह की कोशिश करेंगे, अब ऐसे भी तो रोड पे आ ही गया है तो अब करना क्या है। हम लोग का इज्जत मान सम्मान सब इसी में है। जी बिल्कुल साफ तौर पे आप सुन सकते हैं, मेरा इज्जत मान सम्मान इसी में है और इस तरह से नौकरी हटा दिया है। कोरोना काल के समय जब हम लोग इतना काम किए और इस तरीके का जो चीज़ें सामने आ रही है हमारी नौकरी से नए साल पे हटा दिया गया, बहुत ज़्यादा दुख वाली विषय है। और अनिश्चितकालीन धरना पे ये बैठे हुए हैं और जब तक इनकी मांग नहीं पूरी होगी ये ऐसे ही बैठे रहेंगे। सरकार को इनकी मांगें सुननी पड़ेगी, अगर नहीं सुनेंगे तो आत्मदाह कर लेंगे। तो देखना लाजमी रहेगा कि सरकार इनकी बात सुनती है या नहीं। बने रहे न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर।